हेलो छात्र छात्री अकल आज एटो भिडियोत आमि आलोचना करिम अखम जातीय विद्यालय आनंदराम बरुवा एकेडमिक सप्तम श्रेणी अखमिया पाठ नाम होइसे तेज पाटन हाम होइसे जे ताजमहल गतिके तोमालोके भिडियोटो स्किप नकराकै गोटेखिनि चाइ जुवा एटो भिडियोत आमि सकलो प्रश्न उत्तर केटा आलोचना करिम आरो एटा कथा एटो चनेल जदि नतुन हय तेनल चनेलटो साबस्क्राइब करि लब लगते बेल आइकनखन छुइ दिब जाते एनेका आपडेट बिलाक पाए थाके सो एबार आमि क्वेश्चन केटा ल आगुआइसो एक नम्बर दिया से अति चुमक उत्तर दिया क नम्बर तो ताजमहल कत अवस्थित उत्तर तो ताजमहल आग्रात अवस्थित ख नम्बर तो ताजमहलक कविये कि बुली अभिहित करिसे उत्तर तो ताजमहलक शिलेरे लिखि थोड़ा बृहत कविता बुली कविये अभिहित करिसे ग नम्बर तो कवि रत्नकान्त बर काकति पितृ नाम कि उत्तर रत्नकान्त बर काकति पितृ नाम आसिल उबर बर काकति ग नम्बर तो कवि रत्नकान्त बर काकतिर प्रथम कविता पुथिखनर नाम कि उत्तर रत्नकान्त बर काकतिर प्रथम कविता पुथिखनर नाम शेवाली दुई नम्बर तो ताजमहल कवितार सारांश लिखा उत्तर तो कविये ताजमहल निजे चकुरे देखा नाय हि माथ विभिन्न कविये ताजमहलर विषय लिखा वर्णना पढ़ी से वर्णना पढ़ी कवि हृदय तृप्त हुआ नाय कविये किताबत पढ़िबले पाइसे जे ताजमहल हेन नंदन कानन दरे सुंदर और अमर इयार सौंदर्य भाषारे प्रकाश करिब नोवारी इ जेन एक सपोन परिहे कविये भाविसे जे इ प्रेम विरहर गोट मारी शील हुआ व्यर्थ ए जेन एक नतुन बृहत कविता जी आखरेरे निलिखि पाथरेरे लिखि थोड़ा होइसे तीन नम्बर तो जे प्रसंग संगीर दर्शा व्याख्या करा क नम्बर तो आलिंगीय अमर्त्य आलोक अमर मरण वाक्य माने जा खाय टुकिए नापाय विस्मय मगन उत्तर तो उक्त कविता फाकी आमार साहित्य पाठ सन्निविष्ट हुआ रत्नकान्त बर काकतिये रचना करा ताजमहल नामर कविताटिर पर उद्धार करा हैछे ताजमहल सौंदर्यर विषय कबलय जाओते कविये उक्त कविता फाकी अवतारणा करी ताजमहलर अति सुंदर एक इमारत इ उच्च जेन स्वर्गर परत आलिंगन करिसे इ इमान विस्मयकर जेन शब्दर द्वारा इहार सौंदर्य विस्मयर कथा प्रकाश करिब नोवारी ताजमहलर विषय भावि कवि विस्मयर विभोर होइ परिल लेखा नाय आखरेरे पात्रेरे रसि थोआ एटि नय जुगुमिया बित्थत कविता उत्तर उक्त कविता फाकि आमार साहित्य पाठर सन्निविष्ट हुआ रत्नकान्त बर काकतिये रचना करा ताजमहल नामर कविताटिर परा उद्धार करा हैछे ताजमहलर सौंदर्य आरु विस्मयकर कारुकार्यर प्रशंसा करिबलै गै कविये उक्त कविता फाकि अवतारणा करिछे ताजमहल अति सुंदर एक इमारत इ हैछे मोगल सम्राट शाहजहाने तेओर अति मरमत पत्नी ममता जहानर कबरर ऊपर करा एक स्मृति सुंद कविये इार विषय भावि और कविता पद पढ़िए आनंद और स्मृत आपुल्यत कविये ताजमहलर प्रशंसा करिबलै गै कैसे जे ताजमहलर जेन पत्नी ममताजर मृत्युर सम्राट शाहजहाने अनुभव करा बिरहर गड मरा व्यर्थ कविये आको कैसे जे इ जेन प्रेम विरहर एक बृहत कविता जी शब्दरे निलिखि पाथरेरे लिखि थोड़ा हैछे चार नम्बर क्वेश्चन तो कैसे जे कवि रत्नकान्त बर काकतिये सुम परिचय दिया उत्तर तो रत्नकान्त बर काकतिये एजन स्वनामधन्य अखमिया कवि आरु लिखक आसिल तेओ जन्म हय 1897 चनत नगाव टिंग मर्जार
আটগর পিতির নাম ভূধর বরকাকতি স্কুলিয়া শিকার নগাঁওত লয় আর উচ্চ শিক্ষার ভাবে গুহাটি আর কলকাতালয় যায়। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ত পড়া শুনা এড়ি দেহ সেবার কামত বৃত্তি হয়। কবিতাপুথি শেওয়ালি 1932-1951 আর চন্দ্রহার 1963 সনত তেওঁর মৃত্যু হয়। পাঁচ নম্বরটি আলোচনা করিম, কৈছে যে বিপরীত অর্থ শব্দ লিখা প্রত্যক সক্ষাৎ তৃপ্ত জনম অমর্ত সপন নব এইবিলাক আমি উত্তরকিটা এনেকে লিখিব পারি, যেনে শব্দ বিপরীত শব্দ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সাক্ষাৎ বীর তৃপ্ত অতৃপ্ত জনম মরম অমর্ত মর্ত সপন দিঠক নব প্রাচীন। ঠিক আছে ছাত্র ছাত্রী সকল, আজির এইটো ভিডিওত এখিনিটা সমাপ্ত করে আসো, আকো আহি আসো আন এটা ভিডিওলৈ। গোটেইখিনি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।